स्वागतम। लेजवे का सीजन आ गया है, मैं इसका अचार बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने लेजवे को धो लिया है, तो इस तरह की ये डंडियां हैं, इसमें से इसको कैंची से काट के अलग कर लिया है। और एक कढ़ाई दी है जिसमें पानी डाल दिया है और चलनी रख दी है, और इसमें मैंने ऊपर लेजवे रख दिए हैं। अब इसे मैं ढक दूंगी लेजवे की कैप निकलने तक। अब हम चेक करेंगे कैप निकलने लगी है, गैस बंद कर देंगे। इसे इसमें हवा में उठा देंगे एक दो घंटे के लिए। कुछ कैप तो अपने आप ही निकल गई है, बाकी बाद में निकालेंगे। दो घंटे तक पंखे की हवा में सुखाने के बाद लेजवे की कैप निकालकर मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है। और हटाई के लिए इसमें छोटी एक कैरी ली है, जिसे छीलकर छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। अचार बनाने के लिए हमें मसाले चाहिए हैं, जिसमें राई की दाल, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, मेथी पाउडर, सौंफ पाउडर, थोड़ी सी हींग और नमक। इसके बाद में सरसों का तेल लिया है अचार बनाने के लिए, इसे मैंने गरम कर लिया है और ये थोड़ा अब गुनगुना है। गुनगुने तेल में अब सभी मसाले मिक्स करेंगे। बाद लेसवे डाल देंगे और कैरी अच्छी तरह मिला लेंगे। तेल हमारा पर्याप्त है। अच्छी तरह मिलाने के बाद कांच के मर्तबान में भरेंगे। लेसवे को अंदर धीरे धीरे दबा देंगे, इससे पूरा तेल ऊपर आ जाएगा। इस अचार में तेल पर्याप्त मात्रा में लगता है, इसे ऊपर लगाकर रख देंगे। 8-10 दिन में हमारा ये अचार तैयार हो जाएगा। एक दो दिन में इसे हम चेक करेंगे, यदि तेल कम हो तो फिर से थोड़ा सा तेल गुनगुना करके इसमें डाल देंगे और फिर से इसे बंद करके रख देंगे। 8-10 दिन में ये अचार हमारा तैयार हो जाता है और बहुत खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। पराठे पूरी के साथ में हम इसका मजा ले सकते हैं। यदि आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। रेसिपी के और अधिक गुणों को जानना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।